हाय आज का ये वीडियो ना बड़ा स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो में हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि आपको जितना भी आज तक आया है फोटोग्राफी का जितना भी आप सीखते हो क्रिएटिविटी करते हो पर ये सब का आप कैसे बिजनेस कर सकते हो कैसे आप इसमें से पैसे कमा सकते हो सभी लोगों का यही तो क्वेश्चन होता है कि मैडम ये सीख तो लेंगे पर पैसे कितने कमाएंगे क्या पैसे कमाएंगे कैसे आप बिज़नेस रन करोगे ये सब के बारे में आप समझ लोगे देखिए जब आप फोटोग्राफर बनते हो ना या तो आप नौकरी करते हो या तो आप फ्री मतलब जब भी किसी ने बुला लिया उसके ऑर्डर पर जाके काम करते हो किसी और की शादी है और किसी और ने बुकिंग की है उसकी शादी में जाके आप काम करते हो या तो फिर आप खुद का बिजनेस करते हो और मैं जानती हूँ कि सभी लोगों को ना बिज़नेस करने में इंटरेस्ट होता है कि भाई हमको हमारी खुद की कंपनी चालू करनी है खुद के क्लाइंट्स चाहिए खुद का सारा पैसा चाहिए ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो ये वीडियो में आप स्टार्ट टू एंड जो प्रोसेस है वो समझ जाओगे जब ये वीडियो इतना इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ इस वीडियो को करें लाइक इस चैनल को करें सब्सक्राइब और सारे फोटोग्राफर्स के साथ शेयर कीजिए जिनको वेडिंग फ़ोटोग्राफी का बिजनेस करना है और साथ ही साथ बहुत सारे पैसे कमाने हैं एज अ फोटोग्राफर देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इंडिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो है वेडिंग में पैसा खर्चते हैं ये आप कैसे सा अनुमान लगा रही हूँ मैं एक साल में आप जितना भी पैसे बचाते हो आप कहाँ पे खर्चा करते हो दिवाली में और एक ज़िंदगी में आप जितना भी पैसा बचाते हो वो कहाँ पे ख़र्चा करते हो अपनी बेटी की शादी में शादी ही है जहाँ पे वो सालों साल कमाई हुई जो पूंजी रकम है वो लोग शादी में डालते हैं इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे शादी में इतना सारा खर्चा होता है और इंडिया ही ऐसा देश है जहाँ पे लोग इतने ज़्यादा है ओवर पॉपुलेशन है इंडिया में अभी एक साल में होती है एक करोड़ शादियाँ जी एक साल में एक करोड़ शादियां होती है और ऑन एन एवरेज एक शादी में 20 लाख से लेके अगर मिडिल क्लास इंसान है तो वो 20 लाख रुपए खर्चा करेगा और अगर बहुत अमीर इंसान है तो वो 5 करोड़ तक खर्चा करता है एक शादी के पीछे कहते हैं इंडिया में 50 प्रतिशत लोग मिडिल क्लास लोग हैं 25 प्रतिशत लोग अपर क्लास लोग हैं मतलब बहुत अमीर लोग हैं और पच्चीस जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन में आते हैं मतलब बहुत ही गरीब लोग हैं ये एक अनुमान है जितना मैंने इंटरनेट से देखा है उतना मैं आपको बोल रही हूँ तो जब शादियों का एवरेज है बीस लाख से लेके पाँच करोड़ तक और ऐसी हो रही है एक करोड़ शादियाँ तो आप समझ लो अगर मैं एवरेज लगाऊँ तो एक साल में थ्री ट्रिलियन तीन ट्रिलियन मतलब आप समझ लो इतने नंबर जितने को देख के तो एक कैलकुलेटर शर्मा जाए इतने सारे पैसे लोग शादियों के पीछे खर्चा करते हैं और मैं आपको ये भी बोल दूँ कि एक शादी में कभी भी आप फ़ोटोग्राफर के बिना नहीं रह सकते हैं कोई भी शादी हो छोटी शादी हो बड़ी शादी हो जो भी हो आपको फ़ोटोग्राफ़र तो चाहिए ही शादी का प्रूफ बचेगा कैसे आप एक बार एक शादी में इवेंट प्लानर रखाओ ना रखाओ ये चीज़ कोई मेकअप आगे पीछे करवाओ या जो भी है हो सकता है आपने डेकोरेशन कम करवा लिया कुछ भी हो सकता है आपको कोई चीज़ की ज़रूरत ना हो तो आपने नहीं रखवाया पर फोटोग्राफ़र एक ऐसा इंसान है जो आपको शादी में रखवाना पड़ता है कंपलसरी आपको फ़ोटो खिंचवाना अच्छा लगता है नहीं लगता है हो सकता है आपने दो फोटोग्राफर के बदले एक फ़ोटोग्राफर रखवा लिया या चार फोटोग्राफ़र रखवा लिया वो सब बात अलग है पर फोटोग्राफी एक ऐसा बिज़नेस है वेडिंग फ़ोटोग्राफी एक ऐसा बिज़नेस है जो पूरी लाइफ टाइम चलने वाला है लोगों को इसका रिक्वायरमेंट रहने वाला है और आप पैसे कमाने वाले हो और जब बात करें हम इंडिया के फोटोग्राफर के बारे में जो इंडियन कम्युनिटी है जो इंडिया की वेडिंग्स है वहाँ पे लोग इतना सारा पैसा खर्चते हैं तो बहुत सारा स्कोप है एक वेडिंग फोटोग्राफर के लिए कि आप बहुत सारे रुपए ये फील्ड से कमा सकते हो क्वेश्चन ये है कि आप कमाओगे कैसे देखिए अगर मैं एक बात करूँ एक मिडिल क्लास शादी की जो सबसे ज़्यादा हो रही है वो बीस से पच्चीस लाख रुपये का बजट रहता है उनका एक शादी में खर्चा करने के लिए लड़के वाले और लड़की वाले मिल के बीस पच्चीस लाख की शादी करते हैं इतना पैसा वो लोग खर्चते हैं सिंपल सा बात है कि वो लोग पैसा खर्चते हैं तो सबसे पहले वो मांगेंगे कि भाई कौन सी शादी की डेट होगी शादी की डेट क्या है क्या वो डेट के बिना शादी कर सकते हैं नहीं पहले तो वो यही देखेंगे कि भाई कितना कौन सी डेट पे हमारी शादी होने वाली है वो जाएगी महाराज के पास महाराज बोलेगा कि भाई दिसंबर में आपकी शादी है दिसंबर की ये तारीख़ है फिर वो क्या करेंगे वो सबसे पहले उन सारे लोगों को लिखेंगे उन सारे लोगों का नाम लिखेंगे जिनको वो लोग उनकी शादी में बुलाना चाहते हैं लड़के वाले भी अपनी गेस्ट लिस्ट तैयार करेंगे और लड़की वाले भी अपनी गेस्ट लिस्ट तैयार करेंगे ऑन एन एवरेज जितनी शादियों का काम आज तक मैंने किया है उसके अनुमान से मैं बोल सकती हूँ कि तीन से साढ़े लोग एक शादी में लोग बुलाते बुलाते ही है इसका आगे पीछे हो सकता है किसी ने 500 बुलाया 200 बुलाया पर एवरेज तो है कि साढ़े तीन सौ लोगों को लोग शादी में बुलाते हैं दोनों तरफ से लड़की वाले और लड़के वाले मिला के एक फंक्शन में बुलाते हैं अब ये जो साढ़े तीन सौ लोग हैं इनकी उन्होंने लिस्ट बनाई और उसके हिसाब से वो ये देखते हैं कि भाई अभी जो है हमारा बजट तो है भाई बीस पच्चीस लाख एक शादी में हम लोग खर्चा कर देंगे वो लोग पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि हम इतना पैसा खर्चने वाले हैं अभी जब हम लोग ये बीस पच्चीस लाख की बात कर रहे हैं तो पहले वो डिसाइड करते हैं कि देखिए एक हॉल जो है हमको ऐसा हॉल सेलेक्ट करना है जहाँ पे तीन सौ या साढ़े तीन सौ लोग आ सके एक हॉल में आने तो चाहिए ना जब आपको आपकी डेट मिल रही है शादी की जो नवंबर में है या दिसंबर में शादी है तो आप वो हॉल डिसाइड करोगे जहाँ पे साढ़े तीन सौ लोग आ सकते हैं जैसे ही वो लोग ने हॉल डिसाइड कर लिया वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई डेकोरेटर कौन होगा और केटर कौन होगा जो केटरिंग है वो सबसे महंगा है क्योंकि आज के ज़माने में ऑन एन एवरेज एक जो एक पर प्लेट का खर्चा आप ले लोगे तो हज़ार रुपया ऑन एन एवरेज आता है तो आप समझ लो जब साढ़े तीन सौ लोग आ रहे हैं तो साढ़े तीन लाख का खर्चा एक हज़ार रुपये एक जन का तो साढ़े तीन लाख का खर्चा वो लोग केटरिंग के पीछे रखते हैं कभी कभी कोई प्लेट पाँच सौ रुपये की भी होती है कभी कभी कोई प्लेट पंद्रह सौ की भी होती है पर हज़ार रुपया एवरेज है एक बार केटरिंग का खर्चा हो जाए उसके बाद वो लोग बोलते हैं डेकोरेशन कि भाई क्या डेकोरेशन रखोगे सिटिंग एरेंजमेंट कैसे होगा, कहाँ पे लोग कैसे बैठेंगे वो सारा डिसीजन लेते हैं आप समझ सकते हो कि 25 लाख का जो उनका बजट था उसमें से जो 10 लाख रुपए था वो सारा तो केटरिंग डेकोरेटर हॉल के पीछे चला गया है बाकी का जो दस लाख रुपया है अभी उनमें से उनकी दस और चीज़ें होंगी जिनके पीछे उनको खर्चा करना होता है जैसे कि म्यूजिक बैंड ले लो संगीत के दिन पे, या फिर एंकर ले लो इवेंट प्लानर ले लो मेहंदी आर्टिस्ट ले लो मेकअप आर्टिस्ट कपड़े ज्वेलरी फोटोग्राफर ये सारे लोगों का खर्चा अभी ये आगे के बजट में होने वाला है अभी इसमें और भी दस हज़ार और चीज़ें होगी कि मेरे को ये लेना है वो लेना है पर कहने का ये है कि अभी ये सारी जो चीज़ें हैं जो मेन खर्चे हैं उसका अब लिस्ट बनता है तो ये हो गई सेकंड प्रायोरिटी मतलब फोटोग्राफर म्यूजिशन जो भी मैंने बोला ये सेकंड प्रायोरिटी पे आ गया पहला प्रायोरिटी क्या था हॉल डेकोरेशन और केटरिंग उनकी जो बुकिंग है वो लोग जून और जुलाई के महीने में करेंगे क्यों क्योंकि मई और जून में उनको पता चल जाता है कि भाई मेरी जो शादी है वो दिसंबर में होने वाली है तो वो जून और जुलाई के अंदर ये सारा जो तीन मेन खर्चा था उसको ख़त्म करते हैं और पहला उनको सबको बुक करवा देते हैं इसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी में आते हैं जो हम लोग होते हैं मेकअप आर्टिस्ट होते हैं फोटोग्राफर मतलब जो सेकंड प्रायोरिटी का मैंने ये पूरा जो लिस्ट बनाया है ये सारे लोगों को वो लोग पूछताछ करते हैं मतलब जुलाई के बाद वो लोग इंक्वायरी करना शुरू करते हैं फ़ोन करते हैं यहाँ वहाँ से सबका नाम ढूंढते हैं कि भाई तेरी शादी में कौन था तेरी शादी में क्या था कैसा हम लोग को शादी दिखाने का है क्या हम लोग को इवेंट प्लानर का ज़रूरत है क्या हम लोग को फोटोग्राफ़र अच्छा फ़ोटोग्राफ़र में कितने फोटोग्राफ़र लगते हैं वो लोग जानना चाहते हैं उनको पता नहीं है कि भाई क्या लगता है क्या नहीं लगता है इसके लिए अभी के लिए जुलाई और अगस्त के महीने में वो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं पूछ रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ बुकिंग वुकिंग नहीं करवाने वाले हैं वो सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं कि देखो आ, कितना लगेगा क्या क्या होगा ये सब जानना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको एजुकेशन चाहिए कि भाई कैसे करेंगे हम लोग ये पूरी शादी में क्या अच्छा लगेगा क्या अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो लोग एक तो शादी एक बार करने वाले हैं और दूसरा कि वो लोग बहुत सारा पैसा इस शादी में डालने वाले हैं तो इसके लिए वो लोग लो रिसर्च कर रहे हैं कि भाई क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है इसके बाद आता है अगस्त का महीना अगस्त सितंबर अक्टूबर ये तीन महीने में सबसे ज्यादा वेडिंग फोटोग्राफर लोग बुक हो जाते हैं 80 से 90 प्रतिशत लोग का बुकिंग अभी हो जाता है अभी क्या कर रहे हैं कि भाई सब देखो शादी को एक दो महीना ही रहा है जितने भी लोगों का रिसर्च किया है ना सबको फ़ोन करो जो भी अच्छा लगता है जो भी बेस्ट प्राइस देता है अच्छा काम देता है उसको बुकिंग करवाओ ये तीन महीने में सबका घपा घप घपा घट बुकिंग हो जाता है अस्सी से नब्बे प्रतिशत फोटोग्राफर लोग बुक हो जाते हैं आपको एवरेज आ जाएगा कि ये साल में मेरे को कितनी शादियों का काम आया है आते आते हो सकता है आपको एक दो शादियों का काम एक्स्ट्रा आ जाए पर मेन सारी बुकिंग आपकी अक्टूबर तक हो जाती है ये जो टाइम है ये क्रूशियल टाइम है मतलब जुलाई से लेके अक्टूबर का जो टाइम है ये क्रूशियल टाइम है आपको ये टाइम में बहुत सारे लोगों को फ़ोन करना है बहुत सारे लोगों को प्रचार करना है कि देखो मैं अच्छा फोटोग्राफर हूँ मेरे को काम दो प्रचार मार्केटिंग करो आपका काम दिखाओ लोगों को ये मेन टाइम है कि लोग का आपका काम देखेंगे आपका सुनेंगे भी आपके पास कोटेशन भी मंगाएंगे और फिर आपके साथ नेगोशिएशन करेंगे और आपके साथ फाइनल अभी करने वाले हैं ठीक है ये टाइम है जहाँ पे आप बहुत सारे ऑर्डर ले सकते हो मार्केट से बहुत सारा काम मार्केट में से ले सकते हो और इसी में से तो आप पैसे कमाने वाले हो जब भी बात आती है कि आपको बुकिंग चाहिए आपको पहले मांगेगी कोटेशन कि भाई आप कितना चार्ज करते हो पैसा पैसा जो है कितना लगाते हो आप इसका अनुमान कैसे लगाओगे कि आपको कैसे और कितना पैसा इनको लिखने लिख के देने का है इसका बेसिस ये है कि आप एक साल में कितनी शादियों का काम करते हो आप समझ लो आप तीस से चालीस शादियों का काम करते हो एक साल में अभी के लिए हम लोग तीस शादियों का काम गिन के चलते हैं कि आप एक साल में एवरेज तीस शादियों का काम करते हो अभी दूसरा ये है कि आपको एक साल में कितना खर्चा हो रहा है क्या आपको दस लाख का खर्चा हो रहा है क्या आपको तीस लाख का खर्चा हो रहा है और ये खर्चा क्या है छोटे से लेके बड़ा खर्चा मतलब प्रिंटिंग का कॉस्ट इतना होता है एक जो स्टाफ लोग रखे हैं मतलब फ़ोटोग्राफर है वीडियोग्राफर है एडिटर है ये सारे जो लोग हैं ये सारे लोग लो का जो खर्चा है वो कितना आ रहा है इनकी सैलरी कितनी है ठीक है फिर ये आता है कि आप जो गाड़ी यूज़ करते हो यहाँ से वहाँ जाते हो गाड़ी यूज़ करते हो पेट्रोल यूज़ करते हो जितना भी ख़र्चा आपको आता है एक साल के अंदर उसका आपको टोटल टोटल करना है कि भाई मेरे को इतना खर्चा आता है ये आपका हो गया खर्चा दूसरा हो गया कि आपको आ रही है तीस शादियाँ तो सपोज आपको खर्चा आ रहा है सपोज़ पंद्रह लाख रुपए का और शादियाँ कर रहे हो तीस तीस शादियाँ एक साल का मतलब आपको एक शादी एवरेज पचास हज़ार की पड़ गई पंद्रह लाख को डिवाइड करोगे तीस के साथ तो कितना हुआ एक शादी का पचास हज़ार रुपया अभी एवरेज बोल रही हो ये सारा अंदाज़ से बोल रही हूँ सारा मैं जब आपको एक शादी में पचास हज़ार का खर्चा आ रहा है तो आपको क्या करना है क्या आप चालीस हज़ार का कोटेशन दोगे क्लाइंट को नहीं आप बोलोगे कि यार पचास हज़ार के ऊपर ही बात करोगे ना क्या अस्सी हज़ार का बात करोगे लाख का बात करोगे दो लाख का बात करोगे राइट आप ऊपर ही बात करोगे पचास हज़ार के नीचे काम करोगे तो क्या हो गया ठंडन गोपाल हो गया कि आपने सस्ते में नहीं नुकसान में काम करना शुरू कर दिया है नुकसान में काम नहीं करना चाहिए ठीक है बहुत सारे फोटोग्राफर्स यही गलती करते हैं इतना कम में काम करते हैं फिर पता चलता है कि कुछ बचा ही नहीं हाथ में जो खर्चे हो रहे हैं ना वो उसको भी हम लोग पूरा नहीं पट पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत कम में काम कर रहे हो डर डर के काम करते हैं कि यार उसने कम में लगा दिया उसने कम में लगा दिया चलो मैं भी और कम कर दूँ अरे तुम ये तो देखो कि तुम्हारे तुम्हारा जो खर्चा हो रहा है वो तो देखो कि तुमको कितना खर्चा हो रहा है उसके बेसिस पे कि भाई देखो इसके नीचे मैं काम नहीं कर सकता वो आपको कब पता चलेगा जब ऐसा आप कैलकुलेशन करोगे कि आपको खर्चा कितना हो रहा है आपको शादियाँ कितनी आ रही हैं अभी जैसे ही आप सामने वालों को कोटेशन दोगे तो वो कोटेशन का यही रहता है कि आप Uh, समझ लीजिए जब उनका बीस या पच्चीस लाख का एवरेज है उसको इतने सारे खर्चे हैं दस लाख तो हो गया केटर डेकोरेटर और हॉल वाले के पीछे आगे के दस लाख में इतनी सारी सारी चीज़ें हैं जो उनके ऊपर वो खर्चा करने वाले हैं इसमें से एक है फोटोग्राफ़र तो ऑन एन एवरेज ये दस लाख का और डिवीज़न uh, होगा और आपके हाथ में आएगा अस्सी से डेढ़ लाख का एवरेज जब वो 25 लाख की शादी कर रहे हैं तो अस्सी हज़ार से डेढ़ लाख का उनका एवरेज है ये एक फ़ोटोग्राफर को देने के लिए अभी इसमें आपने बोल दिया कि मैं पाँच लाख लूँगा मैं दस लाख लूँगा क्या वो आपको देगा नहीं देगा क्योंकि उनका बजट ही नहीं है वो बड़ी उतनी शादी है ही नहीं हाँ अगर आप पाँच करोड़ वाली शादी कर का, का काम कर रहे हो तो वो आपको दस बीस लाख भी दे देगा क्योंकि उसका एवरेज में आ रहे हो आप ठीक है पर अभी आप ऐसी शादी में काम करोगे जहाँ जहाँ पर उनका बजट ही बीस पच्चीस लाख है पूरी शादी का तो आपके पीछे वो अस्सी हज़ार लाख रुपया दो लाख तो बहुत ज़्यादा हो गया अस्सी हज़ार से लाख के बीच में ही आपको काम देगा राइट क्योंकि उनका एवरेज ही उतना है अभी तो ये आपको समझना है कि सामने वाले का जो है कितना उनका बजट है इतना है उनका बजट और ये भी आपको देखना है कि आप कितने लोग उनकी शादी में लगा रहे हो मतलब अगर साढ़े तीन सौ लोगों की शादी है एक हॉल में जहाँ पे मैंने बोला कि वो लोग साढ़े तीन सौ लोगों को बुलाने वाले हैं दो फोटोग्राफ़र और दो वीडियोग्राफर तो कम से कम लगेंगे एक फ़ोटोग्राफ़र एक वीडियोग्राफ़र छोटे फंक्शन मतलब पचास सौ जन का फंक्शन है ना वहाँ पर चलता है पर साढ़े तीन सौ चार सौ जन जब आने वाले एक शादी में एक फोटोग्राफ़र एक वीडियोग्राफ़र एक कैंडेड फोटोग्राफ़र और एक सिनेमाटोग्राफर ऐसे करके चार जन आपकी शादी में लग जाएंगे इसके बेसिस पे आपको सामने वाले को बजट देना है ये कि देखो ये चार जन रह गए दो फोटो दो वीडियो इसके हिसाब से आपका जो है कॉस्टिंग पचास हज़ार के ऊपर जाएगा अभी वो अस्सी लगाओगे या डेढ़ लाख लगाओगे वो तो आप पर है आपकी गुडविल पे है एक ऐसा भी फोटोग्राफ़र होता है जो फोटोग्राफी में नया नया आया है उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं है और उसकी गलतियाँ बहुत होती है मतलब टाइम पे नहीं पहुँचा एक प्रोफेशनल प्रोफेशनल नहीं है फ़ोटोग्राफ़र तैयार होने को नहीं आता है बात करने को नहीं आता है ठीक है उन वो जिस हिसाब से काम करते हैं जिस हिसाब से उनका नाम है वो भी इतना कुछ ख़ास नहीं है सामने वाला आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा और देखो आप भी गलतियाँ करने वाले हो ये आपको भी पता है आपकी गलतियाँ हो भी रही हैं अभी इसमें आप बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका आर्ट जो है आपकी जो क्रिएटिविटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है आप इतने क्रिएटिव फ़ोटोग्राफर नहीं हो तो आप किस हिसाब से उनको ये चार्ज दे रहे हो पर हाँ कोई फ़ोटोग्राफ़र ऐसे भी मिलेंगे जो डेढ़ दो लाख के नीचे ज़रा भी नहीं जाएंगे वो काम नहीं होगा ना वो उनको परवड़ेगा पर वो डेढ़ दो लाख के नीचे काम नहीं करेंगे क्यों क्योंकि वो उनकी जो आर्ट है उनकी जो क्रिएटिविटी है उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है उनका जो पूरा सेटअप है उसका ईमान रखते हैं उसकी इज्ज़त देता है कि देखो मेरा काम इतना अच्छा है और जिस हिसाब से मैं काम करने वाला या करने वाली हूँ ना आपका पूरा शादी देखना आप कभी भी हमारा काम भूल नहीं पाओगे उल्टा आप और दस जन को बोलोगे कि देखो ये फोटोग्राफी ने मेरा काम इतना अच्छा किया है आपकी क्रिएटिविटी आपका नाम आपका जो है स्टेटस है मार्केट में उस हिसाब से आप उनको बोल पाओगे देखो मैं इसके नीचे काम नहीं करूँगा काम नहीं होगा तो चलेगा पर इसके नीचे मैं काम नहीं करूँगा ये होता है और अगर नए नए हो तो ठीक है चलो तो थो थोड़ा सा पैसा मिल रहा है थोड़ा सा पैसा मिल रहा है गलतियाँ भी होगी वो तो सामने वाला भी समझता है कि जब मेरे को ये सस्ते में करके दे रहा है इससे एकदम सस्ते में दे रहा है मतलब ये नया नया है काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया है कि मैडम वो ना मेरे से कम में काम कर रहा है तो मेरे को पार्टी बोल रहा है कि मैं तेरे को क्यों काम दूँ वो तो मेरे को इतने में करके दे रहा है वो अगर इतने में करके दे रहा है तो करने दो ना अगर मेरे के साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत कम वाले में लोग काम करते हैं कम से काम करते हैं मेरे से ज़्यादा में भी लोग काम कर रहे हैं जो भी है आपको ये देखना है कि आपकी क्रिएटिविटी आपका स्टेटस आपका नाम आपका प्रोफेशनलिज्म, इसको ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ आपको कितना खर्चा हो रहा है उसको ध्यान में रखते रखते आपको सामने वालों को चार्ज करना है और चार्ज दिमाग को खोल के करो ऐसा नहीं कि उनका बजट ही नहीं है और आपने बहुत बड़ा बिल दे दिया और उनके लगेगा ये फोटोग्राफर अच्छा तो है पर ये हमारे बजट के बाहर जा रहा है आपको ये समझना है कि सामने वाले का बजट इतना है आप उनको इतने बजट में क्या अच्छे से काम करके दे सकते हो ये आप देख लो हो सकता है कि उनका बजट इतना कम हो और आपका काम और आपका नाम उतना अच्छा हो कि वो मैच नहीं हो रहा है तो फिर उनको ना बोल दो बेटर है कि काम ना लो ऐसा नहीं कि चलना काम नहीं है मैं ले लूँ मैं ले लूँ फिर पछताने के दिन आएंगे आपको कम में काम करना पड़ेगा और फिर रोगे कि यार ठीक है यार मेरे को मेरे हाथ में कुछ बचा ही नहीं ऐसा अच्छा है तो मैं काम लेता नहीं और फिर क्लाइंट का भी एक्सपेक्टेशन बहुत था मेरे को बहुत परेशान किया क्लाइंट ने ऐसा होता है ये गलतियाँ लोगों की होती है इससे आप सीखो अभी ये देखो ये वीडियो में ना आप बिज़नेस भी सीख रहे हो मतलब धीरे धीरे आप देख रहे हो चैनल बड़ा ग्रो हो रहा है आप फोटोग्राफी भी सीख रहे हो वीडियोग्राफी uh, भी सीख रहे हो मार्केटिंग सीख रहे हो बिजनेस सीख रहे हो कितना सारा सीख रहे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब किया लाइक like किया ये वीडियो को शेयर किया कि नहीं अपने सारे फ्रेंड्स को तो फिर करो नहीं किया तो प्लीज करो एंड नेक्स्ट वीक के लिए हम फाफिस मिलेंगे और इंस्टाग्राम पर भी आप उनको फॉलो कर सकते हो जहाँ पर हम रोज रोज मिल रहे हैं तो फिर थैंक यू सो मच सी सोन